तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ कैन यू बूस्ट योर फेसबुक पोस्ट, ओके, पेज पोस्ट, और यू कैन से हाउ टू बूस्ट फेसबुक पोस्ट फॉर फ्री। ओके, तो कैसे फेसबुक पोस्ट को फ्री में बूस्ट करें, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को बताया था एक तरीका जो आज के पेजेस पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है, जो अभी पेजेस बन रहे हैं और जो न्यू पेजेस हैं और इवन पुराने जो पेजेस हैं उनसे भी फ्री पोस्ट बूस्ट का जो ऑप्शन था वो हटा दिया गया है, ठीक है। वीडियो चैनल पे पड़ी, आई थिंक आप देख सकते हो उसको, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप उसको देख सकते हैं वाले भी वीडियो को। लेकिन आज जो मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ आपको, जिसका मैंने खुद यूज किया है और मैं आपको रिजल्ट भी उसका दिखाऊंगा, तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये काफी यूजफुल है और आपके जो फेसबुक ग्रोथ है पेजेस के या पोस्ट के वो बढ़ाने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा लास्ट में या बीच में, और पहले आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि ये वाकई में ये स्ट्रेटेजी काम करती है कि नहीं। वैसे तो मुझे स्ट्रेटेजी नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं बताऊंगा, एक डायरेक्शन आपको दूंगा कि आप भी अपनी स्ट्रेटेजी बना के उसका यूज कर सके। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ रिजल्ट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ मैं एक पेज पे हूँ जो मैं खुद ही हैंडल कर रहा हूँ इस समय, ठीक है। आप देख रहे हो स्क्रीन पे नेम, ठीक है। तो अब मैं दिखा दूँ इसका जो मैं हम लोग स्ट्रेटेजी यहाँ यूज कर रहे हैं वो क्या रिजल्ट ला रही है, ठीक है। इंगेजमेंट आप देख सकते हो, पोस्ट रीच देख सकते हो, 28,000। ये आप पेड प्रमोशन भी करोगे तो आपको इतना नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना नहीं मिलेगा अगर आप पेड प्रमोशन भी करोगे तो। इंगेजमेंट भी आप देख सकते हो, और ये एक ही पिक में नहीं है, ये हमारे हर पिक में है जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेटेजी यूज की है, ठीक है। ये सब ऑर्गेनिक है, ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक है, तो ये सब रिजल्ट है और ये पूरे पूरे पोस्ट पे ऐसे ही रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो गाइज, ये आप बोलोगे इंगेजमेंट बहुत सारा है और क्या बोलते हैं रीच बहुत सारा है, लेकिन रिजल्ट मतलब लाइक्स आप यही देख रहे हो, लाइक्स, लाइक से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि रीच कितनी आपकी जा रही है। अब इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे कि यूट्यूब में वीडियोज आप देखते हो किसी किसी के एक एक मिलियन व्यूज आते हैं, लेकिन क्या कभी आपने उनसे पूछा कि आपको इससे सब्सक्राइबर कितने मिले? नहीं, क्योंकि गाइज उनको सब्सक्राइबर 10,000 मिलते हैं 1 मिलियन व्यू पे, और यही रियलिटी है। आप कहीं भी इसको सर्च कर सकते हो, चाहो तो गूगल कर लो, चाहो तो यूट्यूब कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन आपको यही सच्चाई है कि उसमें से सिर्फ 1 से 2% सब्सक्राइबर आपके चैनल पे आते हैं। वैसे ही यहाँ फेसबुक में भी वही रूल फॉलो होता है कि यहाँ आपका जितना भी रीच जाएगा, जितना भी इंगेजमेंट जाएगा, उसमें कुछ ही कम लोग यहाँ आएंगे, ठीक है। ये एक बार हम लोगों से कुछ गलती हो गई थी क्योंकि यहाँ हम लोगों ने कुछ और चीजें हैक्स का यूज किया था जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा लाइक ग्रोथ जो है वो घट गया था, लेकिन अभी अभी जो चीजें जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें से थोड़ा हमारा लाइक ग्रोथ भी तेजी से आ रहा है। और गाइस बिलीव मी, इसमें जो भी 18-19 हज़ार लाइक है ये पूरे ऑर्गेनिक है, इसका कभी भी प्रमोशन नहीं किया गया है, कभी भी पेड प्रमोशन नहीं किया गया है, सिर्फ स्ट्रेटेजीज को यूज करके किया जा रहा है। तो बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी जो समय है वो आ चुका है फेसबुक का, और बहुत ही जल्दी देखना फेसबुक भी बहुत ज्यादा बूम पे होगा क्योंकि फेसबुक बहुत ज्यादा काम कर रहा है अपने मोनेटाइजेशन ऑप्शन पे, जहां लोगों के लिए वो नए नए ऑप्शंस लेके आ रहा है, जहां लोगों को नए नए चीजों से इंट्रोड्यूस कर आ रहा है और बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है अभी तक फिलहाल यूट्यूब से, ठीक है। यूट्यूब पे अगर आपको 5,000 व्यू के सॉरी 1,000 व्यू के $1 या $2 मिलते हैं, तो वहीं फेसबुक $5 दे रहा है। तो इसीलिए मैं ये बूस्ट का एक वीडियो बना रहा हूँ कि आप कैसे बूस्ट कर सकते हो अपने पेज को, और इस स्ट्रेटेजी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसका रिजल्ट भी मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है, ठीक है। दोस्तों, सेम भी फॉलो कर सकते हो आप स्ट्रेटेजी, लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे तो मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि आप काफी ज्यादा लंबा जाओगे, ठीक है। सो मैं चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग करते क्या है इसमें, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन बोर्ड। सो ये आ गए हम अपने बोर्ड पे, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि हम करते क्या है और कैसे आप भी इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो जिसमें ऑर्गेनिक रीच ला सकते हो। पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि पोस्ट फ्री में आप बूस्ट कर सकते हो, तो वो जो ऑप्शन है वो फेसबुक ने हटा दिया क्योंकि देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने इसका यूज करना सीख गया है और इसको अच्छे से यूज करके वो कुछ ग्रोथ पा ले रहे हैं, तो फेसबुक नहीं चाहता कि चीटिंग हो किसी के साथ, तो इसलिए उसने वो चीज वो ऑप्शन हटा दिया, ठीक है। और गाइस उसको भी अर्निंग करना है तो वो भी चाहता है कि लोग ज्यादा ज्यादा पोस्ट बूस्ट करें और अर्निंग करें, ठीक है। लेकिन हम ठहरे इंडियंस, हम कुछ ना कुछ ट्रिक्स निकाल ही लेते हैं, ठीक है, और हम लोग डिजिटल मार्केटर भी हैं तो कुछ ना कुछ हमें ढूंढना ही पड़ता है करने के लिए, ठीक है, हर चीज में हम पैसे स्पेंड नहीं कर सकते। तो
गाइज यहाँ आपको मैं बताऊंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप। पहले कुछ टिप्स दे देता हूँ आपको जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। पहला टिप ये है कि फेसबुक में आपको ज़्यादा लिंक विंक शेयर नहीं करना है, ज़्यादा नहीं शेयर करना है, और किसी भी एक्टिविटी को हद से ज़्यादा नहीं करना है फर्स्ट डे। ठीक है, किसी भी एक्टिविटी को हद से ज़्यादा नहीं करना है फर्स्ट डे। ये दो टिप्स याद रखो और फिर आगे मैं और कुछ टिप्स आपको देता हूँ। अब मान लो ये आपने एक फेसबुक पेज बनाया, एक सेकेंड, हाँ मान लो ये आपने एक फेसबुक पेज बनाया, इसको मिटाते हैं, बीच में लिखते हैं। तो ये मान लो आपने एक फेसबुक पेज बनाया और ये हो आप, ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो आप इसको अकेले इस पेज को हैंडल कर रहे हो। सबसे पहले गाइस मैं बता दूं, यहाँ मैं आज आपको किसी पोस्ट के बारे में नहीं बताने आया हूँ कि आप कौन सी पोस्ट डालोगे तो वो चलेगी। इसके लिए भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप कौन से पोस्ट यूज करोगे कि आपका जो फेसबुक पेज है वो ज़्यादा ग्रोथ लेगा। ओके, तो ये उस तरह की वीडियो नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं एक स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ कि वो स्ट्रेटजी यूज करके आप अपने फेसबुक पोस्ट को बूस्ट कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सको। ठीक है, तो वो चीज मैं बस आपके यहाँ बताने वाला हूँ। और जितने ज्यादा लोगों के पास आपका फेसबुक पोस्ट पहुंचेगा उतना ही आपको लाइक मिलेंगे, या आप किसी चीज को प्रमोट करते हो तो उसमें आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब ये चीज मैंने क्या बोल दी, मैंने ये चीज बोली कि जैसे कि आप किसी का भी प्रमोशन लेते हो, ठीक है, पेज बेसिकली हम क्यों बनाते हैं फेसबुक, किसी भी लोगों को प्रमोट करने के लिए या कोई भी चीज सेल करने के लिए, इसी से हमारी अर्निंग होती है। ठीक है, अभी तो मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आ गया जो वीडियो पे होता है सिर्फ, ठीक है, पोस्ट पे पिक्स पे नहीं होता, ठीक है, सॉरी पिक्स पे नहीं होता। तो क्या है कि जितना भी रीच और इंगेजमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, रीच और इंगेजमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है। तो लाइक्स इज नॉट डजेंट मैटर, ठीक है, और कमेंट इज डजेंट मैटर, बट कमेंट से इंगेजमेंट बढ़ती है। तो कमेंट चाहिए अपने को, लेकिन दोनों चीजों जरूरी नहीं है एक स्पॉन्सरशिप पाने के लिए। जरूरी है कि आप कहाँ तक आपका पेज पहुंचा, कितने हजार लोगों ने आपके पेज को देखा और इंगेजमेंट कितना चल रहा है उस पोस्ट पे फिलहाल। ठीक है, ये जरूरी है दो चीज। तो इसी दोनों चीजों की स्ट्रेटजी आपके साथ आज मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये आपका फेसबुक फैन पेज, ठीक है, और ये आप अगर आप इसको ड्राइव करते हो डेली, ठीक है, सबसे पहला रूल कि अगर फेसबुक पे आपने पोस्ट बनाया है तो अगर आप एक पेज एक पोस्ट डालते हो पहले दिन, तो दूसरे दिन भी एक पोस्ट डालो, और अगर तीसरे दिन भी एक पोस्ट डालते हो तो चौथे दिन भी एक पोस्ट डालो। कहने का मतलब ये है कि हर दिन एक एक पोस्ट डालो ही डालो, और उसका टाइम एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, सुबह डालते हो तो सुबह डालो, शाम को डालते हो तो सुबह डालो, क्योंकि फेसबुक के एल्गोरिथम ऐसे ही काम करते हैं, पहले बात बता दूं। ठीक है, फेसबुक के एल्गोरिथम यूट्यूब से भी डेंजरस है, क्योंकि यूट्यूब से ज़्यादा ट्रैफिक है उनके पास और वो हमेशा चेंज करते रहते हैं ताकि उनके सिस्टम में कोई भी कुछ गलत ना करे। तो फेसबुक को हल्के में लेके बिल्कुल काम नहीं करना है। ठीक है, फेसबुक बहुत ही हार्ड है, जो आप मैथ्स पढ़ते हो उससे भी, लेकिन अगर समझ जाओगे थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटजी तो आपको समझ में आने लगेगा पूरा डिजिटल मार्केटिंग का गेम भी। ठीक है, सो जब अगर आप एक पोस्ट डालते हो तो डेली एक पोस्ट, अगर दो डालते हो तो डेली दो पोस्ट। ठीक है, अब किसी किसी दिन ओकेशनली, अब मान लो क्रिकेट का पेज है आपका, तो आपके क्रिकेट का पेज ओकेशनली किसी दिन कोई मैच हो जाता है तो उस दिन तीन चार पांच पोस्ट चलता है, लेकिन दूसरे दिन भी वही तीन चार पांच पोस्ट अगर डाल देते हो तो तीसरे दिन भी चौथे दिन भी उसको निभाते हुए चलो। ठीक है, ऐसे आपका एक रो इंगेजमेंट बनता है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा रीच मिलता है और लोगों का सपोर्ट भी मिलने लगता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज गाइस, आपको ध्यान रखना है कि आप अपने लिंक अपने पोस्ट में शेयर ना करो। ठीक है, जब कोई मांगे तो उसको इनबॉक्स कर दो, लेकिन शेयर मत करो, इससे आपका एंगेजमेंट घट जाता है। लिंक मतलब किसी भी प्रकार के लिंक। ठीक है, अब स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी ये है कि ये जो आपका फेसबुक पेज है ये आप हो। ठीक है, तो आप इसको अकेले ड्राइव कर रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, कभी आप मतलब अपसेंट भी हो जाते हो, पोस्ट नहीं डालते हो, किसी दिन डालते हो। ठीक है, तो ये तो एक आपकी प्रॉब्लम है जिससे आपका फेसबुक रीच नहीं लेगा, और अब कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है फेसबुक में, पहली बात मैं बता दूं। ठीक है, पहले तो कम था लेकिन अब बहुत ज्यादा तगड़ा हो चुका है, क्योंकि ये 2018 है और 2019 आने वाला है। ठीक है, तो
जो सबसे मेन चीज है वो है कंस्टेंट रहना, आपको कंस्टेंट रहना ही रहना है, ठीक है। जो मैंने आपको पहले बताया गाइज, मैं वही पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो कंस्टेंट रहना है, क्योंकि मेरे पास 3-4 पेज के रिजल्ट है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। तो अब आप अकेले ड्राइव कर रहे हो तो इस चीज को भूल जाओ और ड्राइव करो कम से कम 5 लोगों के साथ, ठीक है। फेसबुक एक जेन्युइन मैन को हमेशा एक्सेप्ट करता है, ठीक है, या कोई भी किसी भी चीज का एल्गोरिथम एक जेन्युइन मैन को हमेशा एक्सेप्ट करता है। जेन्युइन मैन का मतलब जो रियलिटी में चीजों को कर रहा हो और जो ज्यादा स्पैमिंग नहीं कर रहा हो उसको। अब मान लो अगर आप अकेले करते हो किसी फेसबुक को ड्राइव, ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम में आ जाओगे कि आप स्पैमिंग कर रहे हो फेसबुक में। अगर आप स्पैमिंग कर रहे हो तो आपको फेसबुक ब्लॉक कर देगा, और अगर आपको एक आध बार फेसबुक पकड़ लिया कि आप बार बार स्पैमिंग कर रहे हो, तो हर थोड़े दिन में 6-6 दिन में आप ब्लॉक होगे। और ये चीज मेरी आईडी के साथ हो चुकी है और मैं इसको अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और ये बहुत ही मुश्किल से फिर कम होता है, बहुत ही सावधानी से आपको इसको कम करना पड़ता है। तो 4 लोगों के साथ आपको फेसबुक ड्राइव करना है, और फेसबुक में एक ऑप्शन होता है पेज रोल्स, आपको इन 4ों को जाके मॉडरेटर बना देना है सबसे पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, इन सबको बोलना है कि टीम मेंबर का एक ऑप्शन होता है, टीम मेंबर का एक ऑप्शन होता है, जो आप जैसे ही ये सब मॉडरेटर बनेंगे तो वहां एक ऑप्शन आएगा, तो टीम मेंबर में अपने को क्लिक कर लेना है, टीम मेंबर में, ठीक है, टीम मेंबर में, ओके। तो टीम मेंबर में जैसे ही वो अपने आपको क्लिक कर लेंगे तो फेसबुक को ये नोटिस चले जाता है कि ये जो लोग हैं, ये जो सर्कल बना है, ये 4 लोग इस पेज को ड्राइव कर रहे हैं। तो इनको मिल जाती है अथॉरिटी कि ये पेजेस को शेयर करेंगे, मतलब पोस्ट को शेयर करेंगे, तो इनको ब्लॉक करने के लिए बहुत ही काम जो चांस होता है उसको कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप एक पोस्ट अपलोड करते हो, अगर आप पोस्ट अपलोड कर रहे हो तो जो फेसबुक का शेयर होता है, अगर आप किसी पोस्ट को शेयर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 7 अलग अलग ग्रुप में शेयर कर सकते हो। अगर आप 10-12 शेयर करना स्टार्ट कर देते हो अलग अलग ग्रुप्स में अपने पोस्ट को, तो आप नोटिस में आने लगते हो, और नोटिस में आने लगे मतलब आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये गेम आपको नहीं करना है, बिल्कुल गलती नहीं करनी। अगर आप 5, 7, 10 तक जाओ, ठीक है, 10 तक शेयर करो, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 10 से ऊपर जाते हो टेंशन होना स्टार्ट हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकते हो। अगर आप 3 पोस्ट डेली के डालते हो और हर पोस्ट को 10-10 शेयर करते हो, मतलब 30 शेयर करते हो, तो प्रॉब्लम में आ सकते हो। और यहाँ अगर आप किसी और पेजेस को भी यूज कर रहे हो, मतलब एक पेज को तो आप 10 शेयर कर ही रहे हो और इसके अलावा भी कोई और पेज को शेयर कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ आप बहुत जल्दी ब्लॉक होने वाले हो, ठीक है, और फिर वहां से आपका गेम खराब हो जाएगा। तो आपको एक ही पेज को शेयर करना है, 9-10 शेयर मारो, और जैसे ही पोस्ट डालते हो वैसे ही इन जो 3 बंदूक आपने रखे हैं इन तीनों को भी बोलो। तो शेयर अगर आप लोग मार लो, 9-9 मारते हो, तो 9, 18, 27, 36, 36 शेयर मान लो आप लोगों ने मारा, ठीक है, 36 शेयर। तो इससे क्या होगा, जब आपकी पोस्ट बहुत दूर दूर तक पहुंचेगी और वहां लोग लाइक कमेंट शेयर करना स्टार्ट करेंगे, तो इससे आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा, प्लस रीच और बढ़ते ही जाएगी। तो ये सिंपल चीजों को, टिप्स को फॉलो करके इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। याद रखना जो मैंने चीज बोला है, मॉडरेटर के बाद टीम मेंबर होना जरूरी है, शेयर पे कंट्रोल करके शेयर करना है और दूसरे पेजेस को उस समय यूज नहीं करना है। तो अगर आप ये चीजों को सही से फॉलो करते हो, इस स्ट्रेटजी को सही से फॉलो करते हो, टिप्स को सही में ध्यान में रखते हो, तो आपका पेज इजीली ग्रोथ होगा। टीम मेंबर कहाँ होता है वो आपको पता होगा, ठीक है, नीचे में वहीं पर होता है टीम मेंबर, वहां आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वहां टीम मेंबर का ऑप्शन आता है, इजी कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी हम लोग यूज करते हैं कि अगर हम लोगों ने एक बंदा पोस्ट किया तो हम 4 बंदों को वहां बैठाते हैं कि जो 4 बंदे हैं वो सही ग्रुप में उन चीजों को भेज दें, ठीक है, और सही चीजों का यूज करके। तो ऐसे करके स्ट्रेटेजी को आप बना के ऑर्गेनिक रीच बढ़ा सकते हो, ऑर्गेनिक ग्रोथ पा सकते हो, और यही एक फेसबुक का तरीका है ऑर्गेनिक पाने का। और 2019 में काफी चीजें चेंज होने वाली हैं जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ऐसे ही अच्छा हम लोग अंदर घुस के हर चीजों पे बात करते हैं, स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं और हर चीज में ग्रोथ पाते हैं। और गाइज बिलीव मी, हाँ
फ्री में कुछ नहीं मिलता, लेकिन फ्री में हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं शिद्दत से टीम के साथ, इसलिए हमें ग्रोथ मिल रहा है। ठीक है, तो मेहनत करो और थोड़ा सा ध्यान दो, आपको ग्रोथ मिलेगा। तो गाइज प्लीज लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट करो एक अच्छा सा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन जरूर दबाओ, हिट करो उसको, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, काफी अच्छी चीजें आनी बाकी है। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।